देश में कट्टर विचारधारा कितना फैला हुआ है, ये नुपुर शर्मा के मामले में अच्छे से देखने को मिला था। जहां एक बयान से सर तन से जुदा तक के नारे लग गए थे, या यूं कहें कि इस नारे को असलियत में भी बदल दिया गया था। खैर, हम कट्टर विचारधारा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कट्टर विचारधारा वालों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब क्या है वो फैसला, चलिए आपको भी बताते हैं। देश में कट्टर विचारधारा वाले लोग किस तरह बवाल मचाते हैं, इसका गवाह है नुपुर शर्मा विवाद। आक्रामक होकर किस तरह से देश में नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार कट्टरवाद की विचारधारा को लेकर गंभीर है। ऐसे में खबर ये है कि अब कट्टर विचारधारा वाले कैदियों को जेल में अलग रखा जाएगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र की ओर से राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि जेल में कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखा जाए। और ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि अन्य कैदियों पर इसका प्रभाव न पड़े। इसके साथ ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कैदियों को अलग बाड़ों में रखा जाए। आपको बता दें, आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में क्या कहा गया है, चलिए आपको भी बताते हैं। चिट्ठी में लिखा गया है, कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को जेल में अलग बैरक में रखा जाए। इसके साथ ही राज्य कारागार अधिकारियों को डी रेडिकलाइजेशन पर विशेष सत्र का आयोजन करना चाहिए। ये गुमराह अपराधियों की मानसिकता में बदलाव लाने में मदद कर सकता है। वहीं ड्रग्स और इसकी स्मगलिंग से जुड़े अपराध में कैद कैदियों को अन्य कैदियों से दूर रखा जाए। आगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है, अपने अधिकार क्षेत्र में मॉडल जेल मैनुअल 2016 को अपनाएं। चिट्ठी में कहा गया है कि जिन राज्यों ने अब तक इसको नहीं अपनाया, वो इसमें तेजी लाएं और मैनुअल में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जेल में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके अलावा भी चिट्ठी में अन्य मुद्दों पर बात की गई है। जैसे चिट्ठी में राज्य जेल अधिकारियों से ये भी अपील की गई कि वे सभी जिला स्तरीय जेलों और न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए विशेष प्रयास करें। जहां कहीं भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, संबंधित न्यायालयों के अधिकारियों के साथ मामले को तत्काल आधार पर उठाकर राज्य के अधिकारियों द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है। आपको ये भी बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जेल कर्मचारियों की सभी श्रेणियों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की अपील की। ऐसा इसलिए क्योंकि जेल और सुधार सेवाओं जैसी चार संवेदनशील संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल एक संभावित सुरक्षा जोखिम है, बल्कि जेल के कैदियों को भी अपराध के रास्ते से दूर करने से वंचित करता है।